गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारा 3.1 एक्सरसाइज में हमें फैक्टर्स यानी गुणनखंड निकालने हैं इन नंबर्स के जो नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 24 का गुणनखंड यानी 24 एक 24 के पारे में आता है, ठीक है। इसके अलावा 2 को 12 बार गुणा करेंगे तो 24 आएगा। 3 के पारे में कितनी बार में आता है, 3 8 24। ऐसे 4 में नहीं आता, 4 5 24 यानी 4 के पारे में। 5 में नहीं आता लेकिन 6 4 24। 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 8 3 24 आता है। अब 9 में नहीं आता, 9 8 9 से ज़्यादा हो जाएगा। 10 नहीं, 11 नहीं, 12 में 12 2 9 24 और 24 1 24। तो ये सारे गुणनखंड हो गए किसके, 24 के। कौन कौन से, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो ये इसके आंसर हो गए, इसके कौन कौन से गुणनखंड हो गए आंसर में, यानी फैक्टर्स इसके हो गए 24 के। ये हो गए फैक्टर्स इसके, ये 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। फैक्टर्स मीन्स गुणनखंड। अब देख लो आप, जैसे ये हुआ 1 2 3 4 6 8 12 और 24। निकालना आ गया हमें गुणनखंड, यानी गुणनखंड में आपको क्या देखना है कि जो भी संख्या दी है वो किसके पहाड़े में कितनी बार में आ रही है। जैसे आप 15 देखो, आपको पता है एक तो सबका गुणनखंड होगा ही होगा, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करो उतना ही आंसर आता है। उसके बाद में देखो 3 के पहाड़े में आता है, 3 5 15। इसके बाद में 5 के पहाड़े में, 5 3 15। और इसके अलावा 15 1 15 यही गुणनखंड रहते हैं। तो यानी इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए, यानी गुणनखंड फैक्टर यानी गुणनखंड हुए 1 3 5 एंड 15। यानी इसके फैक्टर्स हुए, फैक्टर ऑफ 15 आर क्या हो गए, 1 3 5 15, ठीक है। यानी आसान हो गया आपको इसके फैक्टर निकालना, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको पहले बताया कि एक सबका कॉमन फैक्टर होता है, एक तो हर किसी भी चीज़ का फैक्टर हो सब में आएगा, चाहे वो कोई भी संख्या दी हुई हो, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, चाहे जैसे 1 × जो भी आपने लिखा 248 तो भी क्या हो गया, एक फैक्टर आ ही गया, गुणनखंड आ ही गया, ठीक है। तो वैसे ही यानी 15 फैक्टर ऑफ 15, 1 3 5 एंड 15, सब में 15 आ रहा है ना, 15 देख रहे हो आप, 1 × 15 15, 3 × 15 15, 5 × 3 15 और 15 1 15। अब देखो 21 का, तो 21 के गुणनखंड के लिए अपना है, एक तो वही होगा 1 × 21, क्योंकि एक सबका सार्वभौमिक गुणनखंड है, वो तो सबका ही, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 × 21, ठीक है। ऐसे ही अब 2 के पारे में नहीं आता, 3 में आता है, 3 7 21। ऐसे ही 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, 7 3 21, यानी 7 × 3 कितना आ गया, 21। इसके अलावा और किसके पारे में आएगा 21, केवल 21 के पारे में, यानी 21 1 21। तो अब ये 21 यानी 21 के फैक्टर्स यानी गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 21 यानी 21 के गुणनखंड हैं 1 3 7 एंड 21, यानी 1 3 7 एंड 21। नेक्स्ट है 27। 27 का आपको पता है एक तो फैक्टर होता ही है, इसके अलावा किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में। इसके अलावा और सोचो 27 किसके पहाड़े में आता है, 3 8 27, तो 27 और किसी पहाड़े में नहीं, 9 के पहाड़े में आता है, 9 3 27, ठीक है। तो आप देखो 9 3 27, इसके अलावा 27 एक
27, क्योंकि 13 दुनी 26 और 14 दुनी 28 हो जाता है, इसलिए 27 एकम 27। देन द फैक्टर ऑफ 27, फैक्टर 27 का हुआ, देखो फैक्टर ऑफ 27 यानी 27 के गुणन का 1, 3, 9 and 27। क्लियर? नाउ 12 के लिए 1 आपको पता है ये कॉमन फैक्टर है, 2, 6 या 12 यानी 2 चिक्की 12, 3, 4 या 12 यानी 3 चौक 12, इसके अलावा 6, 2 या 12 and 12 and 12। सो द फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू, यानी 12 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 4, 6 and 12। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 20 का, वही 1 × 20 यानी 1 को 20 से 20, 2 ढाई का 20, 2 × 10 इज इक्वल टू 20। इसके अलावा 4, 5 या 20, 4, 5 जो 20, 5, 4 20, 5, 4 या 20, 10, 2 या 20 एंड 21 या 20 यानी 20 एकम 20। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 20 यानी 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 and 20। 18 का देख लो, 1 × 18 यानी 1 18, 2 9 18, 3 6 18, अगला 6 3 18, और किसी बारे में नहीं आता ना आपको पता है। इसके अलावा 9 दुनी 18 और फिर 18 एकम 18 यानी 18 के फैक्टर यानी गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 6, 9 and 18 यानी 1, 2, 3, 6, 9 और 18। क्लियर? नेक्स्ट 23 आपको पता है कि एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, ये केवल अपने ही पहाड़े में आती है या फिर एक का। तो ये अभाज्य संख्या का यानी या तो 1 को 23 से गुणा करें तो 23 आएगा, या फिर 23 एकम 23। और किसी पहाड़े में सोचो आप 23 आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, इसलिए 1 × 23 और 23 एकम 23। ठीक है? तो यानी अभाज्य संख्याएं जो होती है ना, उनके जो गुणनखंड होते हैं वो केवल एक और वो संख्या खुद, बस यही होते हैं। तो इसका भी देखो फैक्टर क्या हो गया, 1 and 23। अब है 36 यानी 36 का, तो 36 का ये तो प्राइम नंबर नहीं है, 1 × 36, 2 का भाग देंगे 36 में, तो कितनी बार में जा रहा है, 18 दुनी 36 यानी 2 को × 18 से किया, 3 से तो 3 × 12 36, 4 से 4 9 36, 5 में जाता नहीं 6 6 36, 9 9 चौक 36 और 12 चौक 36। ठीक है? इसके अलावा 18 दुनी 36, ठीक, आप 36 एकम 36 यही आएगा। तो अब आप देखो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए, यानी फैक्टर्स ऑफ 36 यानी 36 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36 यानी 36। ठीक है? यानी कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36। ठीक है? ये हो गए हमारा फैक्टर निकालना, यानी किसी संख्या के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखो राइट 5 मल्टीपल्स यानी 5 गुणज। ठीक है? मेरे पास में क्या है कि इंग्लिश के हैं, इस चक्कर में मैं आज इससे बता रही हूँ आपको। तो 5 गुणज, गुणज का मतलब है 5 के पहले 5 गुणज यानी 5 के पहाड़े को आप 5 बार लिखो, जैसे 5 एकम 5, 1 गुणज हो गया 5 दूनी 10, 2 गुणज हो गए
5 3 15, 3 गुना जो गए 5 4 20, शुरू में चाहने वाले हैं ना 5, और 5 25, तो ये कितने हो गए 5 गुना जो गए ना, कौन कौन से हुए 5 10 15 20 और 25, यानी ये हो गए मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज, तो ये क्या हो गए, और क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, यानी पहले 5 मल्टीपल्स, यानी पहले 5 गुणज। अब पहले 5 गुणज कौन कौन से हैं, देखो 5 के 5 10 15 20 और 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुणज निकालना, आसान है गुणज, तो उस संख्या का पहाड़ा लिख दो, जितनी बार शुरू के बोले उतनी बार बोल दो, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट 5 बोल रहा है तो अपन स्कीप नहीं कर सकते, मतलब बीच में से नहीं कर सकते। तो 8 के देखो, 8 एक 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 या 5 मल्टीपल बोले, 5 गुणज बोले, इसलिए अपने को 5 ही निकालने, अगर 6 बोले होते तो हम आगे भी कर लेते, 2 बोले तो 2 निकालो, 3 बोले तो 3 निकालो, 4 बताए पूछे तो 4 निकालने, और 5 निकालने तो 5। तो अब यहाँ पे 8 के गुणज कौन कौन से हो गए, यानी 8 के मल्टीपल्स हो गए 8 16 24 32 और 40, यानी 8 16 24 32 और 40, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी ये 8 के गुणज हैं, ठीक है। अब है 9, वही 9 एकम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, ठीक है। तो ये हमारे मल्टीपल्स हो गए 9 18 27 36 और 45, एंड 9 18 27 36 एंड 45, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 9, यानी ये गुणज है 9 के। थर्ड क्वेश्चन है, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विथ कॉलम इन कॉलम 2, यानी एक कॉलम एक को कॉलम 2 से मैच करना। तो अगला देखिए 35 किसका गुणज लग रहा है, या तो 5 7 35 या 7 5 35, तो किसका लग रहा है, मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 का गुणज लग रहा है ना, 7 के पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7 का गुणज, 7 5 35, यानी ए फर्स्ट वाला किससे मिलेगा, बी से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका है 15। अब 15 में अगर हम गुणज के रूप में देखते हैं तो 15 किसका गुणज है, या तो 15 का 3, 3 5 15, या 5 3 15, या फैक्टर 15 के अगर हम देखें तो फैक्टर में गुणा गुणनखंड में गुणनखंड तो 15 के मिलेंगे 3 5 और 15, इसमें दिख नहीं रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे ना, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 30 यानी 30 का गुणनखंड 15 हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि 15 के पहाड़े में 30 आता है, ये देखो आप, ठीक है, नहीं आता 70 में। अगला देखो, अब 30 से अपन बता रहे हैं, यानी 15 गुणा 30 मिल रहा है अपने पास में, तो क्या हो गया ये 30, क्या हो गया 30 का फैक्टर हो गया, ठीक है, कौन 15 हो गया ना, 15 के पहाड़े में आ रहा है 30, यानी इसका आंसर हुआ सेकंड। अब 16 देखो, 16 8 का मल्टीपल नज़र आ रहा है ना, 8 गुणा 2, 8 के पहाड़े में 8 2 16, यानी 8 का गुणज आ रहा है, तो 8 का गुणज क्या हो गया 8 2 16, यानी कि इसका बना अपना ए। अब 20 देखो, 20 फैक्टर ऑफ 20, यानी 20 का गुणनखंड है ना 20, देखें अपन नेक्स्ट वाला 20 किसके में आ रहा है, ये देखो 10 से, क्योंकि आपको पता है 20 एकम 20, और 25 दूनी
दूसरा वाला 25 दूनी 50, ठीक है, कर सकते हैं अपन, क्योंकि 25 के फैक्टर है 50, 25 के पहाड़े में 50 आ रहा है, तो यानी फैक्टर ऑफ 50, तो ये हो गया लास्ट वाला फिफ्थ। इस तरह से ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों।